जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज कैसे लगते हैं। और जो स्क्रीन पर अपनी डिटेल्स शेयर की है इनसे आप फटाफट से जुड़ जाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए। स्क्रीन पर डिटेल्स शेयर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर मेंशन है। और साथ साथ एक चीज और कि आप अब इनसे सिर्फ टेलीग्राम के जरिए जुड़ करके फ्री में प्रेडिक्शंस ले सकते हैं। चाहे आप टॉस देखना चाहें, चाहे आप स्कोर देखना चाहें, चाहे आप ड्रीम इलेवन टीम देखना चाहें, तो सारी चीजें आपको फ्री में प्रेडिक्शंस मिलेंगी। तो फटाफट से इनसे जुड़िए और साथ साथ इनको कॉन्टैक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। केवल इनको टेलीग्राम लिंक पे आपको ज्वाइन करना और आपको सारी चीजें, सारी आपको जो फैसिलिटीज हैं वो फ्री में मिल जाएंगी। तो फटाफट से इनसे जुड़ जाइए। बात करेंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 10 की। मैच नंबर 10 होगा सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स वर्सेस बर्बाडोस रॉयल्स। 27 अगस्त 2023 का ये मैच रहेगा। सुबह 4:30 बजे ये मैच होगा। संडे का दिन होगा। मैच काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और कैरेबियन प्रीमियर लीग वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। सेंट किट्स की अगर बात करते हैं तो सेंट किट्स में यहाँ पे सेंट किट्स को, क्योंकि लास्ट मैच हारने के बाद, क्योंकि सेंट किट्स को जरूरत है थोड़ा सा मेहनत करने की। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एविन लुइस जो है इसके कैप्टन हैं। और अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 27 दिसंबर 1991। टोटल जो इनका रूट नंबर है वो 9 है और जो डेट भी है 27 वो भी 9 है। तो काफ़ी हद तक सेंट किट्स के फेवरेबल रह सकता है। लास्ट जो मैच गया है गुआना के अगेंस्ट, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने स्कोर बनाया है और इसमें भी काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। सिर्फ 2 रन से रह गए थे, 48 रन इन्होंने बना लिए थे हाफ सेंचुरी में। और इसी तरह से इस मैच में भी काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। हो सकता है कि ये हाफ सेंचुरी भी बना लें। अब यहाँ पर अगर हम प्लेयर्स की बात करते हैं कि सेंट किट्स में कौन कौन से प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे, तो एविन लुइस आप ले सकते हैं, शिफेन रदरफोर्ड आप ले सकते हैं, टी स्टब्स को आप ले सकते हैं। साथ साथ अगर हम बॉलर्स में से बात करें तो आप ले सकते हैं डोमिनिक ड्रेक्स को, साथ साथ ओशेन थॉमस को। अगर खेल रहे हैं तो शेल्डन कॉटरिल को आप ले सकते हैं। ऑलराउंडर में से आप कॉर्बिन बॉश को ले सकते हैं, कॉफी जेम्स या फिर जॉर्ज लिंडे, तो इनको आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बर्बाडोस रॉयल्स की बात करेंगे, बर्बाडोस रॉयल्स के जो कैप्टन है रूबेन पोवेल, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जो इनकी रहेगी वो रहेगी 23 जुलाई 1993। तो 5 इनका नंबर रहेगा, इनके लिए भी काफ़ी हद तक फेवरेबल रहेगा। रूट नंबर 5 है और जिस दिन मैच हो रहा है उसका जो नंबर है वो है 9। तो फेवरेबल क्योंकि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं, रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, क्योंकि न्यूट्रल नंबर होता है एक तरह से। और यहाँ पे अगर हम चीज़ें देख करके चलें तो चेंजेबल हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि चेंजेबल नहीं होंगी, बट स्टिल यहाँ पे जो है इनको थोड़ा सा ध्यान रख के खेलने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय पर अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर खेलते हैं तो इनको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे प्लेयर्स की हम बात करेंगे तो रूबेन पोवेल आप ले सकते हैं, जस्टिन ग्रीव आप ले सकते हैं, जेसन होल्डर आप ले सकते हैं, साथ साथ आप जो है ओबेट मकॉय को आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बैटर्स की बात करें तो बैटर्स में से आप रिवाल्डो क्लार्क, साथ साथ केविन विकहैम को आप ले सकते हैं। तो ये प्लेयर्स हो गए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सी टीम विनिंग रहेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी। तो टॉस जीतने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाडोस रॉयल्स के हैं। यहाँ पे मैच विनिंग की मैं बात करूँगी सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स की। रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी हद तक मुझे जो फेवरेबल चीज़ें लग रही हैं वो सेंट किट्स के लिए लग रही हैं अगेंस्ट बर्बाडोस रॉयल्स। फर्स्ट इनिंग्स में जो है अगर सेंट किट्स खेलती है तो 150 प्लस का स्कोर रहेगा, और अगर बाद में खेलती है तो 150 प्लस तो नहीं जाएगा बट डेफिनेटली बीट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स का नाम लूंगी। मैच नंबर 11 सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रोट्स जीत सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें कमेंट करके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक कमेंट शेयर फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। डू वॉच डू सब्सक्राइब डू लाइक डू शेयर। नमस्कार, जय श्री राधे।